स्मृति ईरानी, ये नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है, आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और गुनाह तो बहुत किए हैं आपने। आपका सबसे बड़ा गुनाह है कि 78 दिन तक मणिपुर में हमारी बेटियां झुलसती रहीं और आपने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो भयावह वीडियो आया और आप बोलने को मजबूर हुई, तब भी आप अपनी गंदी मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार की ओछी राजनीति से बच नहीं पाए। गुनाह तो यह है आपका कि हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गुनाह तो यह है कि लखीमपुर के चीरहरण पर आप बोल नहीं पाई। गुनाह तो यह है कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के यौन शोषण पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुनाह तो यह है कि उन्नाव में आपका विधायक दोषी पाया गया हत्या और बलात्कार का, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाई। गुनाह तो यह है कि अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी की ओर ढकेला गया, फिर उसकी हत्या कर दी भाजपा के नेता ने, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। यह गुनाह है आपका। अरे आपके घर से थोड़ी दूर पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां कह रही थी कि आपके सांसद ने उनका यौन शोषण किया है। वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सत्ता की लोलुपता में जिस दिन आपने महिलाओं के लिए बोलना बंद कर दिया था, जिस दिन आपने उनके खिलाफ दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया था, आपकी आत्मा मर चुकी थी। तो अब ये फर्जी आक्रोश और ड्रामा बंद कर दीजिए। और ये क्या ऑब्सेशन है आपका राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की वजह से हिंसा भड़की है मणिपुर में। मुझे ऐसा लगता है आप एक विक्षिप्त दिमाग की औरत है। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये देश उद्वेलित है, मणिपुर घावों से भरा है, उसको मरहम की जरूरत है, उसको विश्वास की जरूरत है। आपके ड्रामा के लिए ना तो इस देश के पास वक्त है और ना सदन के पास वक्त है। तो ड्रामा बंद करिए और काश समय रहते आपने एक महिला मंत्री होने का फर्ज अदा किया होता। आप चुप रहीं और ये आपका गुनाह है, और चीखने से, गला फाड़ने से आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और बढ़ेगा। बंद कीजिए अपना ड्रामा।